जय श्री राम भाइयों, हम लोग का ये दिन तीसरा है। जय मोहित यही विश्राम किए थे। जय मोहित भैया, जो ब्रह्मपुत्र के गांव में। जय ना जय ना, गंगा के नाम वो बता दे। जो कौन से भगवान का शिव मंदिर है? शिव मंदिर ही है। हम लोग अभी तो बहुत कुहासा है, इसलिए हम लोग रोड पर थोड़ा कम चल पा रहे हैं, क्योंकि गाड़ी के आवागमन बहुत ज़्यादा है यहाँ। और एक भैया है जो हम लोगों के रात में सहायता किए थे। कौन गांव पर भैया? कनैली। कनैली गांव ब्रह्मपुर से 5 किलोमीटर पहले भी पहले ही पड़ता है। और यहां हम लोग स्टे किए हैं, रात भर का यहीं था स्टे। आइए भैया व्यवस्था किए हैं इधर, चलिए दिखाते हैं। तो कनैली गांव का नाम है, आश्रम है ये। चलिए हम दिखाते हैं कि हम लोग ये कहाँ व्यवस्था किया गया था। पूरा आश्रम है। ये महाराज जी बनी लोग महाराज जी हैं जो हम लोगों के लिए कल बहुत ही कष्ट किए थे रात में। हम लोगों के लिए आश्रम है, आश्रम है यहाँ पूरा, हमारे सभी मित्रों। पूरा आश्रम है, वहीं पे अंदर खाना वाना खिलाए थे महाराज जी हैं यहाँ के, अपने से बना के पूरा एकदम। ये दल द्वार बा, यहीं पे हम लोग का हम लोग सोए हुए थे, हम सभी पांचों भाई का। और ये अब चलो आश्रम में चलते हैं। वही दूरा पे पूरा रहने का व्यवस्था था। और ये हमारे भैया बरन मोहित भैया बहुत सहायता कैलन है, धन्यवाद भैया। ये आश्रम में खाना पीना भी बन रहा है हम लोग का। और यहाँ से हम लोग अभी तो टाइम पता नहीं, लेकिन करीब 8:30 हो रहा होगा सुबह का। हाँ, करीबन 8:30 हो रहा होगा अभी तो, लेकिन अभी भी थोड़ा कुहासा बहुत ज़्यादा है, कुहासा घटने का नाम ही नहीं ले रहा। ये हम लोगों के लिए एक अड़चन पैदा कर रही है चलने में, कि कुहासे के कारण हम लोगों को दिख रहा है, थोड़ा सा दिख रहा है कि गाड़ी इतना कम हो रहा है। कि और यहाँ बहुत से पेड़ पौधे भी हैं जो यहाँ आश्रम में होने चाहिए। और स्वामी जी हैं जो अंदर अपना खान पीन बना रहे हैं। बाकी ये छोटा कुटिया है, उसमें बाबा रहते हैं। ओके, जय श्री राम, जय श्री राम।